आज हम प्लान देखेंगे 13 फीट बाई 60 फीट का। तो बेसिकली ये जो घर का नक्शा है इसका लेंथ 13 फीट का है और जो ब्रेथ है वो 60 फीट का है। तो ये हमारा जो घर है वो फ्रंट हाउस प्लान है। फ्रंट में रोड आएगा, फ्रंट से आपको वेंटिलेशन मिल जाएगी, एयर मिल जाएगी और लाइट मिल जाएगी। और बाकी जो तीनों साइड है वो तीनों साइड क्लोज आएंगे, वो तीनों साइड घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइज, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है यहाँ 13 फीट के साइड से। तो एंटर करते यहाँ पे ये पार्किंग का एरिया आता है। पार्किंग का जो साइज़ है वो 12 फीट 4 इंच इंटू 12 फीट का है। पार्किंग के अंदर आप एक कार आराम से पार्क कर सकते हैं और दो बाइक आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से हम आगे जाए तो ये 4 फीट का दरवाज़ा दिया है सेंटर में। तो आगे हमारा हॉल एरिया है। हॉल का जो साइज़ है वो 12 फीट इंटू 10 फीट का है। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए दो विंडो दी है। दोनों विंडो हमारी फ्रंट साइड ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा हॉल के अंदर। हॉल से आगे जाए तो ये कॉर्नर में 3 फीट का पैसेज दिया है। पैसेज के आगे डाइनिंग एरिया आएगा। इसका जो साइज है वो 12 फीट इंटू 8 फीट का है। तो बेसिकली आप यहाँ पे एक डाइनिंग टेबल प्रॉपरली रख सकते हैं। इसे हम आगे जाए तो आगे हमारी स्टेयर्स है, सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न होके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। और जो सीढ़ियों का जो विड्थ है वो 3 फीट का एक इस तरफ का विड्थ है और 3 फीट का इस तरफ का विड्थ है। और जो सीढ़ियों के नीचे की जगह है उसके यहाँ पे हमने ये दरवाज़ा प्रोवाइड किया है 2 फीट 6 इंच का। इससे हम अंदर जाएंगे WC प्लस बाथ एरिया के अंदर। तो बेसिकली हमारा ये टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया है। इसका जो साइज़ है वो 3 फीट इंटू 8 फीट का है। जो लेंथ है वो 3 फीट का है और जो ब्रेथ है वो 8 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है। तो ये विंडो ये OTS के अंदर ओपन होगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। इससे हम बाहर आए तो ये कॉर्नर में हमारा पैसेज आगे जाएगा। आगे यहाँ पे ये किचन का एरिया आएगा। किचन का जो साइज है वो 9 फीट इंटू 8 फीट का है। जो लेंथ है वो 9 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 8 फीट की है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है। तो ये दोनों विंडो हमारा यहाँ OTS के अंदर ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। OTS जो होता है वो ओपन टू स्काई एरिया होता है। ये ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा सब जगह। इसका जो साइज है वो 3 फीट इंटू 11 फीट का है। जो लेंथ है वो 3 फीट की है और जो ब्रेथ है वो 11 फीट की है। और OTS की जगह को आप यूज़ कर सकते हैं। तो किचन के आप देख सकते हैं कॉर्नर में हमने ये 2 फीट 6 इंच का दरवाज़ा दिया है। इसे हम अंदर जाएंगे OTS के अंदर। तो OTS के अंदर आप यहाँ पे कपड़े धुल सकते हैं, बर्तन धुल सकते हैं और रस्सी लगा के कपड़े भी सुखा सकते हैं। और इससे हम बाहर आए तो कॉर्नर में पैसेज के यहाँ पे ये दरवाज़ा दिया है 3 फीट का। इससे हम अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम का जो साइज़ है वो 12 फीट इंटू 8 फीट का है। जो लेंथ है वो 12 फीट का है और जो ब्रेथ है वो 8 फीट का है। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो ये खिड़की भी हमारा यहाँ OTS में ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। और इसी बेडरूम के अंदर हमने अटैच प्रोवाइड किया WC प्लस बाथ एरिया, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। इसका जो साइज है वो 5 फीट 8 इंच इंटू 3 फीट 6 इंच का है। जो लेंथ है वो 5 फीट 8 इंच की है और जो ब्रेथ है वो 3 फीट 6 इंच का है। इसके अंदर भी वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है। तो ये विंडो भी हमारा OTS के अंदर ओपन होगा। तो बेसिकली ये जो हमारा प्लान है ये फ्रंट हाउस प्लान है। तो आपको सिर्फ फ्रंट में से वेंटिलेशन मिलेगा, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर में ये OTS प्रोवाइड किया है तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा पूरे घर के अंदर। तो बेसिकली ये जो मैंने प्लान बनाया, एक हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था, तो उनके रिक्वायरमेंट और डिमांड के हिसाब से मैंने ये प्लान बनाया है। होप करता हूँ उनको ये पसंद आया हो
और हाँ गाइज, अगर आपको भी आपका प्लान बनवाना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, तो आपके रिक्वायरमेंट और डायमेंशन के हिसाब से मैं प्लान बना के बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो बेसिकली अभी मैंने ये 2D प्लान बनाया है, इसके बाद मैं इसका 3D मॉडल वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फर्नीचर अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा और एलिवेशन डिज़ाइन दिख जाएगी, तो आप वो भी जाके देख लीजिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।